तो गाइस मैं बहुत ही ज्यादा लंबा ट्रिप के लिए निकल चुका हूँ और मैं बहुत ही जल्दी में था और इसी वजह से घर से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी घर से कम 10 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ और ये माइक्रोफोन जो है ना, अभी माइक्रोफोन के अलावा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और माइक्रोफोन जो है ना बिल्कुल खराब हो चुका था। क्लासमेट है, बहुत दिन बाद अचानक से मुलाकात हुआ और बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, बहुत अच्छा लगा। अभी अगर माइक्रोफोन अभी ठीक नहीं कर पाता ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। आई मीन कई बार भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता। अभी तक तो मैं बहुत ही जल्दी में था, इसी वजह से मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं बता पाया एक्चुअली कहाँ जाने वाला हूँ। अभी हंस रहा है, देखिए समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली जा रहा हूँ अभी राजस्थान, राजस्थान है कई बार बताया नहीं और कैसे जा रहा हूँ वो और भी आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। मैं ट्रेन से भी नहीं, बाइक से भी नहीं, फ्लाइट से भी नहीं, मैं कैसे जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। कहाँ जा कर रहा हूँ अभी, अभी पता चला, कैमरा बंद करने के बाद बताया। अरे यार ऐसा आदमी पहले नहीं देखा हो, लेकिन ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, इतना शर्माने की क्या बात है। जा रहा हूँ गुजरात, बड़ौदा, गुजरात स्टेट और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ और रास्ते में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ सीन होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा और ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग करने की भी कोशिश करूँगा। और हम लोगों का गाड़ी जो है ना वो आगे है, यहाँ से कम 15 किलोमीटर आगे है और अभी मैं टेम्पो की मदद से, ऑटो की मदद से जाने वाला हूँ यहाँ से कम 15 किलोमीटर तक, उसके बाद गाड़ी मिलेगा। एनीवेज आई होप आप लोग इस जर्नी में मुझे मदद करेंगे, मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का जो गाड़ी है ना वो ग्वालपारा से आ रहा है और अभी मैं हूँ टुलुंगे, ग्वालपारा से इसी रास्ता से जाएगा तो यहाँ से मुझे उठना पड़ेगा। चेहरा नहीं दिखाते हैं, हमेशा शर्माते हैं, लेकिन ये जो शर्म थोड़ी देर बाद रहेगा नहीं। टाइम कितना लगेगा वहाँ से? घंटा लगेगा, लगभग एक घंटा, तो एक घंटा हमें यहाँ पर वेट करना होगा। तो यार अभी तक तो वेट कर रहा था गाड़ी आने के लिए और अभी जब तक फ़ोन किया है 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ, 6:16 टाइम हो चुका है। तो यार फाइनली हम लोगों का गाड़ी जो है आके पहुँच गया है और इसी गाड़ी से हम जाने वाले हैं गुजरात। जल्दी 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 लाइट है क्या, कहाँ पर लाइट है पता नहीं चल रहा है। अभी अभी घर में फोन करना भी पड़ेगा, घर से टेंशन कर रहा है, लाइट नहीं है क्या अंदर? अभी कम से कम 1.5 घंटा हुआ है गाड़ी में उठ चुका हूँ, बट अभी भी आसाम क्रॉस नहीं किया हो। और गाइस बुधियापुर शायद इस जगह का नाम है, एग्जैक्टली पता नहीं है, और कौन सा मंदिर देखा था, मंदिर का नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक राइडर के साथ मुलाकात हो गया था बट रुक नहीं पाया, वेट नहीं कर पाया, गाड़ी की बहुत ज़्यादा जाम था यहाँ पर, इसी वजह से उन लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर पाया। अगर मुलाकात कर पाता तो अच्छा होता, आई मीन राइडर के साथ, बाइक राइडर के साथ मुलाकात करना मेरा सपना है, मैं उन लोगों के साथ बातचीत करना इसे वीडियो में देखता हूँ, यूट्यूब में ब्लॉगिंग जब करते हैं, ट्रैवल करते हैं उस वक्त देखता हूँ, लेकिन इसे कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन आज देखा हूँ, बस हाई किया हूँ, वो लोग भी हाई किया है और चला गया है। आई मीन वो लोग तो वहीं पर रह गया, खड़ा हुआ था और हम लोग चले आए हैं, रुक नहीं पाया। गोल भाई साहब के कहने के हिसाब से एक गुसाई गवा के पहुंच गया हूँ। रात के कितना टाइम हुआ, 8:25 टाइम हुआ, लगभग 5-10 मिनट के अंदर हम आसाम क्रॉस करेंगे। जस्ट अभी भी आसाम क्रॉस करके आया हूँ, 2-4 सेकंड हुआ है, 8:39 टाइम हो चुका है रात की, और आसाम क्रॉस करके बंगाल आके पहुँच गया हूँ। हम लोगों को वेलकम भी नहीं किया है, थोड़ा कंजूसी किया है यार, एक साइन बोर्ड लगा देता कम से कम। अभी रात की 1:23 हुआ है और हम लोग कभी कहाँ पहुँचे, जगह का नाम पता है क्या?
जगह का नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये जो रास्ता इस साइड में आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से बांग्लादेश का जो मेन बॉर्डर है वो 500 किलोमीटर होगा शायद ना, यहाँ से 500 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही करीब है बांग्लादेश की। अभी सुबह की 7:24 टाइम हो चुका है, रात की 1:30 ट्रैफिक में फंस चुका हुआ मैं, बहुत ज़्यादा जाम हो गया रास्ता सड़क। तो उस वक्त रात के 3 शायद सोया था, बट इसे सोने का जगह था, सब कुछ था, बट मैं सोया नहीं था, बस ऐसे ही तमाशा देख रहा था। अभी तो नींद तमाम हो गया, 7:24 हो गया। अभी थोड़ा ब्रश करके फ्रेश हुआ हूँ और इन लोगों का नींद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, देखो अपना अपना सुना दे रहा। देखा कितना गहरी नींद में सोए हैं, तो देख सकते हैं कि रास्ता कितना ज़्यादा जाम हो गया। और इस तरह के आप लोगों को जितना दिखाई दे रहा है इतना तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इससे आगे कितना लंबा है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पता नहीं, क्योंकि अगर चाय मिलता ना तो अच्छा होता। अरे यार मैं हाथ मुँह धो के साबुन यहीं पर रख दिया, याद नहीं था साबुन अंदर रख देता हूँ। चलो ये अभी के लिए वहीं पर रख, इससे पहले भी मैं आया था लेकिन बिहार से वापस हुआ था, अभी तक 50% बंगाल भी क्रॉस नहीं कर पाया, आगे जाके कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा जाम है। और वैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी चल रहा है, जिस सॉफ्टवेयर से मैं जैसे कि पावर डायरेक्टर से वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैं घर में तो कंप्यूटर में वीडियो एडिट करता था, लेकिन यहाँ आ रहा हूँ इसी वजह से मैं सोचा था कि यार 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लूँगा, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए स्टेट बैंक का जो सिस्टम है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, स्टेट बैंक के अकाउंट से हम पेमेंट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा सब्सक्रिप्शन लेने की, अगर ले पाता हो तो वाटरमार्क नहीं आएगा, अगर नहीं ले पाता हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एक वाटर मार्क है। तो गुजरात की इस ट्रिप का पहला एपिसोड है, और भी बहुत सारे एपिसोड आने वाला है जहाँ पर आप लोगों को समंदर के पास जाके बहुत सारा कुछ दिखाऊंगा, और मैं फर्स्ट टाइम जो भी कुछ एक्सपीरियंस करूँगा वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट 2nd एपिसोड में।